देहरादून में मंगलवार को हरिद्वार रोड स्थित संस्कृति भवन में दिगंबर प्रोडक्शन के बैनर तले बनी पहली फिल्म ठोकदार का ट्रेलर, पोस्टर और एक गाना लॉन्च किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने फिल्म का ट्रेलर, पोस्टर और एक गाना भी लॉन्च किया। दोनों ने फिल्म को लेकर निर्माताओं को बधाई दी और कहा कि गढ़वाली फिल्मों को बनाना हमारी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छा है और ये खुशी की बात है कि उत्तराखंड के जो लोक भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेज हैं, इन पर फिल्में बन रही हैं। और सन 82-83 में पहली गढ़वाली फिल्म बनी थी और उसके बाद फिर एक कुमाऊनी फिल्म बनी थी। और अब मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे फिल्में बननी शुरू होंगी अगर हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारी जनता जो अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, वो ज़रूर इन फिल्मों को देखेंगे और इनको प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ के कलाकारों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, और इनके यहाँ के निर्माताओं को जो अपना इस पे पैसा लगा रहे हैं, अपनी कमाई जीवन की इसमें लगा रहे हैं, निर्देशकों को और टेक्निकल टीम जितने भी हैं, सब यहीं के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं जो ये एक प्रयास कर रहे हैं। और उन्हें अब जनता का सहयोग चाहिए कि जनता थिएटर तक आए और उनके काम को देखे, सराहे। ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है, जो ट्रेलर देखा है, वो बहुत अच्छा ट्रेलर है और समाज को एक समरसता का संदेश देता हुआ ट्रेलर है। ये फिल्म अच्छी होगी और हम सब लोगों को चाहिए कि हम इस फिल्म को देखें और अपने उत्तराखंड के फिल्म प्रोड्यूसरों को, कलाकारों को प्रोत्साहित करें ताकि और भी फिल्में बने। वहीं कार्यक्रम में मीना राणा भी मौजूद रहीं। उन्होंने फिल्म में एक रोमांटिक सॉन्ग भी गाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यक्रमों को देखकर लगता है कि उत्तराखंड का सिनेमा तरक्की कर रहा है। हाँ, गीत बहुत ही अच्छा रोमांटिक गीत है जो मैंने गाया है और स्टोरी बेस्ड है पूरा। जो हीरो हीरोइन की इसमें केमिस्ट्री चल रही है उसी को बेस लेकर ये गीत है और बहुत ही अच्छा गीत है और फिल्माया भी इन्होंने, बहुत अच्छा है। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड तरक्की कर रहा है। बस मुझे तो ये महसूस हुआ आज कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे पोस्टर रिलीजिंग, सॉन्ग रिलीजिंग, ट्रेलर रिलीजिंग, ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। दिगंबर प्रोडक्शन की ओनर और फिल्म के प्रोड्यूसर ममता रावत ने बताया कि इस फिल्म में उन्होंने एक भजन भी गाया है। उन्होंने कहा है कि वो इस फिल्म के जरिए अपने ससुर को श्रद्धांजलि भी देना चाहती हैं। जी देखिए, ये जो नाम है दिगंबर प्रोडक्शन, ये मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ के नाम पे है। क्योंकि और वो अपनी कला और संस्कृति, गढ़वाली कल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। क्योंकि नाम ही प्रोडक्शन हाउस का उनके नाम पे था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पहली मूवी जो है ये एक ट्रिब्यूट होगा उनकी याद में, तो इसलिए हम लोगों ने गढ़वाली फीचर फिल्म बनाई। वहीं फिल्म के डायरेक्टर देवू रावत ने शूटिंग के दौरान आई परेशानियों के बारे में भी बताया और कहा कि लोगों का प्यार इस फिल्म को मिलेगा तो आगे भी और बेहतर कार्य किए जाएंगे। लोकेशन थी थत्यूड़ है, यहाँ पर जौनपुर ब्लॉक में, मसूरी से 28 किलोमीटर आगे पहाड़ में, तो वहाँ पर हमने शूट किया। वहाँ पर वेदर जो था, हमने अप्रैल के महीने में शूट किया, तो हमें लगता था कि फर्स्ट क्लास वेदर होगा, लेकिन हर दूसरे दिन बारिश होती थी, इतनी मोटी, कभी कभी तो पूरे दिन शूटिंग नहीं होती थी। हम लोग 20 दिन का शेड्यूल लेके गए थे तो 20 दिन में हो ही नहीं सकता था काम, तो वो हमारे 4-5 दिन और जो बारिश की वजह से और ज़्यादा लग गए, उससे भी थोड़ा एक्सपेंसेस हो गया था, एक्सपेंसेस और बढ़ गया। सूट तो हमें अलग अलग जगह जा कर के लेने पड़े ना, क्योंकि उसमें बद्रीनाथ भी था, केदारनाथ भी था, गंगोत्री, यमुनोत्री, बागेश्वर, नैनीताल, मसूरी, सब जगह की लोकेशन थी उसमें, और वो अलग लेने पड़े। कुछ हमारे पास जो अपनी पहली फिल्म के स्टॉक्स वगैरह थे वो भी हमने इसमें यूज़ किए हैं। तो वो शूटिंग जो हमने गाना शूट कर लिया हमने आर्टिस्ट को लेकर के, फिर जो शॉर्ट्स है वो बाद में लिए, फिर अलग अलग जा करके। फिल्म में आपको अहम भूमिका में दिखाई देंगे राजेश मालगुड़ी, रणवीर चौहान, पन्नू गुसाई, शिवानी भंडारी, रोशन उपाध्याय, सुषमा व्यास, इंदु भट्ट, राजेश, नवल सेमवाल, राजेंद्र रावत, प्रदीप नेथानी, विकास कोटनाला, राजू नेगी,
विनय चान्ना, अजय भारती, मनोहर सती, सोहन उनियाल और पुरुषोरम जेठुड़ी। इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म का नाम ही बताता है, थोकदार। थोकदार जैसा कि यहाँ पर मंच पे अभी हमारे डायरेक्टर साहब देव रावत जी ने भी बताया कि पुराने समय में एक बहुत बड़े इलाके का एक थोकदार हुआ करता था, जो शब्द बाद में अपभ्रंश होकर के थोकदार हो गया। तो उसका काम होता था कि वो 15 गांव के लगभग के इलाके को कंट्रोल करता था, जैसे वहाँ पर टैक्स लेना एक्सेट्रा, जो भी सारे काम होते थे राजा के द्वारा दिए होते थे। तो ये थोकदार नाम है फिल्म का। तो इस फिल्म में ऐसा है कि थोकदार एक बड़ा ज़मींदार है और वो किस तरह से जो है वो एक तरह से विलन है फिल्म में। सोशल मैसेज इसमें ये जाता है कि कैसे एक परिवार जो अच्छे संस्कार देता है अपने बच्चों को और जो है बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, हर फिल्म में ऐसा लगभग होता ही है। तो इसमें बेसिकली मैसेज यही है कि घर से अगर हमें अच्छे संस्कार मिल रहे हैं तो जो है हम किसी बुरे से बुरे आदमी को भी बदल सकते हैं। देबू सर की मैंने एक और फिल्म की थी कन्यादान, उस समय उस फिल्म के दौरान ही उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई थी और उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये उनकी उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप है, मतलब बहुत सालों पहले उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। और ऑफकोर्स मुझे जो है फिल्म सुन के ही बहुत पसंद आई थी। इनफैक्ट मैं तो इसमें विलन का कैरेक्टर भी करने के लिए तैयार था बीच में, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि मुझे हीरो ही करना पड़ा और मैं खुश हूँ। अच्छा है, बहुत वेरिएशन है हीरो के कैरेक्टर में, तो मज़ा आया काफ़ी करके। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, जब भी देबू सर ने हमें इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया तो सुनते ही मैं काफ़ी खुश हो गई थी। उन्होंने मेरे करेक्टर के बारे में बताया था कि एक करेक्टर है जो गरीब लड़की रहती है, इसमें उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव होता है, इस तरीके की स्टोरी है, वो तो जब आप मूवी देखोगे तब पता चलेगा। तो एक होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं जो रिचेस होते हैं, जैसे पहले के टाइम पे होते थे, अमीर होते थे, तो गरीब लोगों को हमेशा दबा कर रखते थे, तो वो स्टोरी इसमें कहीं ना कहीं दिखाई गई है। तो जब भी मुझे ये स्टोरी उन्होंने सुनाई तो मुझे बहुत ही मतलब एक अच्छी लगी कि टच लगी कि हाँ इस करेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ है, तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया था। ये फिल्म 8 जुलाई को देहरादून के सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में एक हफ्ते के लिए रिलीज होगी। अपनी गढ़वाली भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है कि हम गढ़वाली कलाकारों और फिल्मों को प्रोत्साहित करें। फिल्म थोकदार भी एक तरह की एक कोशिश है जिसके जरिए उत्तराखंड की संस्कृति और बोली को बड़े पर्दे के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ ज्योत्सना थपलियाल की रिपोर्ट।